हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के शासकों के समकालीन झारखंड के शासक। तो यहाँ पर जो है ये जो दोनों सल्तनत हैं यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, इन शासकों के समकालीन में कौन कौन से झारखंड के शासक थे तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और यह झारखंड के इतिहास से रिलेटेड है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर JSSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो समकालीन शासक कौन कौन हुए इससे, तो इसीलिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और जितनी भी जानकारी मिली है उस हिसाब से इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जानकारी जिस प्रकार से है उस प्रकार से आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के शासकों के समकालीन झारखंड के शासक, आप लोग यहाँ जो है हिस्ट्री में पढ़े होंगे जो दिल्ली सल्तनत है वह 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था, ये आप लोग जानते ही होंगे। और ये जो दिल्ली सल्तनत है इसके जो संस्थापक थे वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। और यहाँ पे जो है मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य के जो शासक हुए तो ये तो हुए ही, लेकिन ये जो स्टार्टिंग हुआ कितना से, तो ये 1526 से लेकर के लगभग 1857 तक, तो ये हुआ था मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड। और मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हुए थे तो वे कौन हुए थे, तो वे हुए थे बाबर। तो हम लोग ये इतना जानते हैं, ध्यान भी रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है जितनी जानकारी होगी और जहाँ से इम्पोर्टेंट है वही मैंने आप लोगों को यहाँ बताया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उनके समकालीन झारखंड के शासक कौन कौन हुए। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के शासकों के समकालीन वाले झारखंड के जो शासक हुए उनको देखते हैं। तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जो झारखंड शासक हुए उनका नाम है वेणु कर्ण और ये नागवंशी शासक थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी के हैं समकालीन में झारखंड शासक उनका नाम है वेणु कर्ण और ये नागवंशी शासक हुए, आप लोग याद रखेंगे। अगला है बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के समकालीन में झारखंड के शासक जो हुए वे हुए हरिकर्ण, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे हरिकर्ण जो हैं वो झारखंड शासक हैं, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के समकालीन हुए थे, तो वे हुए थे बख्तियार खिलजी के। आगे देखते हैं अब मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनका जो है समकालीन झारखंड के शासक कौन हुए, तो वे हुए थे हरिकर्ण। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हरिकर्ण जो थे वे बख्तियार खिलजी के टाइम पीरियड में भी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के समय काल में ये झारखंड के शासक थे हरिकर्ण, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये दोनों जो है यहाँ पे मैच कर रहा है तो इसी कारण से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत शासक थे तो उनके जो है समकालीन झारखंड शासक हुए थे वेणु कर्ण। आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो इस शासक, इस सुल्तान के समकालीन झारखंड के जो शासक हुए उनका नाम है शिवदास कर्ण। तो शिवदास कर्ण जो है उनके समकालीन शासक थे कौन, तो फिरोज शाह तुगलक थे, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा मैं अगर आप बात करेंगे तो लोधी वंश के जो शासक हुए थे दिल्ली सल्तनत में उसके समकालीन जो है झारखंड के शासक में कौन कौन हुए थे, तो हुए थे प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण और विराट कर्ण, तो ये तीन नाम थे, ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है फिरोज शाह तुगलक के समय में जो थे वो थे शिवदास कर्ण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और ये जो सब थे वो दिल्ली सल्तनत के शासकों के समकालीन हुए थे और ये सब के सब कौन थे, तो ये सब के सब नागवंशी शासक थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे नागवंशी शासक थे, ये जितने मैंने अभी नाम बताए झारखंड शासकों के वे नागवंशी शासक थे, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं मुगल सम्राटों के समकालीन झारखंड के शासक। तो मुगल सम्राटों के समकालीन झारखंड शासकों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले अकबर। तो यहाँ पे अकबर के जो समय काल में झारखंड के समकालीन शासक कौन कौन हुए थे, मधुकरण शाह जो कि नागवंशी शासक थे, ये आप लोग याद रखेंगे मधुकरण शाह जो थे नागवंशी शासक थे और ये अकबर के समकालीन थे, ये नागवंशी शासक थे, ये याद रखेंगे। अगर हम लोग चेर शासकों की बात करते हैं तो चेर शासकों में भागवत राय जो थे वो अकबर के समकालीन थे, ये भी याद रखेंगे भागवत राय ये चेरो शासक थे। रणजीत सिंह जो कि पुराहाट के सिंहवंशी शासक थे, तो ये भी थे हमारे झारखंड के शासक और ये अकबर के समकालीन थे, तो ये आप लोग तीनों नामों को यहाँ पे याद रख लगेंगे, मधुकरण शाह जो कि नागवंशी शासक थे ये अकबर के समकालीन थे, साथ साथ भागवत राय जो कि चेर शासक थे ये भी अकबर के समकालीन थे, और रंजीत सिंह जो कि पुराहाट के सिंहवंशी शासक था यह भी थे हमारे अकबर के समकालीन शासक, ये हम याद कर लेंगे यहाँ पर जितना हो सके ध्यान रखेंगे। जहांगीर,
तो जहांगीर के शासनकाल के समकालीन कौन कौन थे, दो दुर्जन साल थे, ये नागवंशी शासक थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे नागवंशी शासक थे। अनंत राय और सहबल राय ये तो है चेरो शासक थे, ये चेरो वंश के शासक थे, तो ये भी जहांगीर के समकालीन थे। तो यहाँ पे दुर्जन साल जो थे वो नागवंशी शासक थे, वो जहांगीर के समकालीन थे। और ये कौन था, तो ये मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था। और मधुकरण शाह कौन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। तो ये आपको ध्यान रखेंगे मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी थे दुर्जन साल, जो कि नागवंशी शासक थे, और ये जहांगीर के समकालीन थे। अगर चेरो वंश की बात करते हैं तो ये अनंत राय और सहबल राय थे, ठीक है। आगे बात करते हैं शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के समय काल में कौन कौन थे समकालीन, तो दुर्जन शाह और देव शाह थे। तो यहाँ पर भी देखिए दुर्जन साल यहाँ पर भी है, यहाँ पर दुर्जन शाह यहाँ पर भी, तो ये दोनों है दुर्जन साल और देव शाह, ये हैं नागवंशी शासक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये शाहजहाँ के समकालीन थे। साथ साथ प्रताप राय, भोपाल राय और मेदिनी राय, ये तीन के तीनों जो हैं नाम वह थे चेरो वंश के शासक थे, यानी कि चेरो शासक थे। वीर नारायण सिंह, तो ये पंचेत के राजा थे उस समय के, तो पंचेत भी उस समय का एक क्षेत्र हुआ करता था झारखंड का, जहाँ पर इस प्रकार से राजा महाराजा वाला चलता था। तो ये वीर नारायण सिंह जो थे वो पंचेत के राजा थे, तो ये शाहजहाँ के समकालीन थे। लेकिन दुर्जन शाह और देव शाह ये जो थे वे नागवंशी शासक थे। साथ ही साथ प्रताप राय, भोपाल राय और मेदिनी राय, ये तीन के तीनों जो थे वह चेरों के, चेर वंश के थे, ये आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो है शाहजहाँ के समय काल में ये जो दुर्जन शाह थे, इन्होंने जो है अपनी राजधानी को कोकरा से कहाँ किए थे, तो कोकरा से किए थे ये दोईसा किए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि दुर्जन शाह जो थे वह कोकरा से दोईसा किए थे अपनी राजधानी को, तो ठीक है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है प्रताप राय, ये जो प्रताप राय है वह सहबल राय के उत्तराधिकारी थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सहबल राय के उत्तराधिकारी था यह। आगे देखते हैं अब औरंगजेब के शासनकाल में, तो औरंगजेब के शासनकाल के समय कौन थे, तो रघुनाथ शाह और राम शाह, ये दोनों थे नागवंशी शासक, रघुनाथ शाह और राम शाह। मेदिनी राय, रुद्र राय और दिक्पाल राय, साथ साथ साहेब राय, ये सब के सब कौन थे, तो ये सब के सब थे चेरो वंश के शासक, ये सब के सब थे चेरो वंश के शासक। तो ये आप लोग याद रखेंगे मेदिनी राय, रुद्र राय, दिक्पाल राय और साहेब राय, ये लोग औरंगजेब के समकालीन थे। और अगर बात करेंगे नागवंशी में कौन कौन थे, तो रघुनाथ शाह और राम शाह थे, ये हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब यहाँ पर दलेर सिंह जो थे वह रामगढ़ राज के शासक थे, तो ये भी दलेर सिंह जो हैं वो भी औरंगजेब के शासनकाल के समकालीन थे, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में, तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में जो थे नागवंशी शासक वह थे राम शाह, इनके समकालीन। साथ साथ में अगर बात करेंगे चेरो वंश के कौन थे, तो चेरो वंश के थे साहेब राय, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो चेरो वंश का जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं चेरो वंश के साहेब राय और यहाँ पर भी साहेब राय, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बहादुर शाह प्रथम के समय में जो थे नागवंशी शासक वह थे राम शाह, ये आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश कर सकते हैं। जहांदार शाह, तो जहांदार शाह के समय काल में कौन कौन हुए थे, तो वह हुए थे यदुनाथ शाह, जो कि नागवंशी शासक थे। और अगर बात करें साहेब राय की, तो साहेब राय जो थे वह चेरो वंश के थे, और ये भी जहांदार शाह के समकालीन थे, चेरो वंशीय साहेब राय थे जो कि जहांदार शाह के समकालीन थे। और यदुनाथ शाह जो कि नागवंशी शासक थे, तो ये जहांदार शाह के समकालीन थे। फर्रुख सियर के बारे में बात करते हैं, तो फर्रुख सियर के समय भी यह जो यदुनाथ शाह थे, इन्होंने भी फर्रुख सियर के समय काल में भी शासन किया करते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर चेरो वंशीय बात करते हैं, तो यहाँ साहेब राय और रंजीत राय, ये दोनों थे चेरो वंशीय और ये फर्रुख सियर के समकालीन थे, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह के समय में कौन थे, तो उदयनाथ शाह और शिवनाथ शाह, ये दोनों थे नागवंशी शासक, तो ये लोग इनके समकालीन हुए, यानी मोहम्मद शाह के समकालीन हुए। अगर जयकृष्ण राय की बात करते, तो ये जो थे वह चेरो वंशीय शासक थे, चेरो वंश के थे, तो ये भी समकालीन थे मोहम्मद शाह के, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं जयकृष्ण राय जो कि चेरो वंशीय थे, ये मोहम्मद शाह के समकालीन थे। शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय के समय में जो झारखंड के शासक थे द्रीपनाथ शाह, तो ये नागवंशी शासक थे, तो ये थे इनके समकालीन, तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है
द्रिपनाथ शाह किसके समकालीन थे, तो शाह आलम द्वितीय के समकालीन थे। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर राम शाह है वह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। और इधर में जो है वो आप लोग ध्यान सकते हैं, पंचीत के राजा जो उदय नारायण सिंह थे वो शाहजहाँ के समकालीन थे, दलेर सिंह जो थे वे औरंगजेब के समकालीन थे। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से जितना हो सके याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के शासकों के समकालीन झारखंड के शासक जो थे वो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थी, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना थी और जितनी जानकारी थी उस हिसाब से मैंने आपको बता दी है। तो आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं।